हेलो व्यूवर्स, केबिथन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम और सांस्कृतिक उपागम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। व्यूवर्स, जब हमने पर्सनालिटी को समझना शुरू किया तो पर्सनालिटी की स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस दिए थे, जिनमें से हमने टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच, पोस्ट फ्राइडियन अप्रोचेस को पढ़ा और समझा। इन अप्रोचेस के अलावा 3 अप्रोचेस और हैं, जो कि बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहलाती हैं। इनमें से हम बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारवादी उपागम और कल्चरल अप्रोच यानी सांस्कृतिक उपागम के बारे में आज पढ़ेंगे। जब हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो ये अप्रोच या उपागम व्यवहार की आंतरिक गतिकी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। आंतरिक गतिकी को पहले समझ लेते हैं। पिछली क्लासेस में आपने सिगमंड फ्रॉयड के साइकोडायनामिक अप्रोच को समझा था। साइकोडायनामिक अप्रोच या मनोगतिक उपागम मानव मन के 3 स्तरों की बात करता है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, मानव व्यवहार इन 3 के बीच में गति करता रहता है और इसी को व्यवहार की आंतरिक गति की कहा गया है। तो व्यवहारवादी उपागम में इस आंतरिक गति की को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि व्यवहारवादी व्यवहार को महत्व देते हैं और व्यवहार से उनका मतलब होता है जो दिखाई दे। तो जो व्यवहारवादी है वो ऐसे डेटा या प्रदत्तों पर विश्वास करते हैं जो कि डिफाइन किए जा सके, यानी जिन डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या जिनको हम माप सकते हैं। तो ऐसे डेटा या ऐसे आंकड़े या ऐसी सूचनाओं पर व्यवहारवादी विश्वास करते हैं, जबकि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को ना तो ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना ही उनको डिफाइन किया जा सकता है और ना ही उन्हें मेजर किया जा सकता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक उद्दीपक अनुक्रिया संयोजन पर पल देते हैं, यानी हमारे सामने जब कोई उद्दीपक या स्टिमुलस आता है तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं यानी रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन उद्दीपक और अनुक्रिया के संयोजन को सीखना यानी अधिगम करना और प्रबलन यानी रीइन्फोर्समेंट पर बल देते हैं। रीइन्फोर्समेंट यानी कोई भी क्रिया या कोई भी उद्दीपक जिससे किसी रिस्पॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उसे रीइन्फोर्समेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को ये कहा गया कि अगर तुमने अपना रूम क्लीन किया तो हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, तो घुमाने ले जाना एक तरह का रीइन्फोर्समेंट है जिससे बच्चा अपने रूम को साफ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। इसी तरह से क्लास में जब बच्चे के व्यवहार को या उसके जो भी वो होमवर्क करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, शाबाशी दी जाती है, तो बच्चा अच्छा होमवर्क करने या क्लास में डिसिप्लिन में रहने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे के लिए शाबाशी और वाह वाह रीइन्फोर्समेंट का काम करता है। तो व्यवहारवादी उद्दीपक अनुक्रिया के अधिगम उसके रीइन्फोर्समेंट पर बल देते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर बेस्ट तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि वो व्यक्ति वातावरण के प्रति यानी जो उसका एनवायरमेंट है उसके प्रति वो किस तरह की अनुक्रिया करता है, किस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही हमारी पर्सनैलिटी होता है। हम जो रिस्पॉन्सेस करते हैं यानी अनुक्रियाएं करते हैं उनमें जो भी परिवर्तन आता है वो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, विकास है, क्योंकि जब हम नए वातावरण में जाते हैं और नए नए स्टिमुलस हमें मिलते हैं तो हम उनके प्रति जो भी रिएक्ट करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, उसके द्वारा हम नया बिहेवियर सीखते हैं। इसको समझिए, एक बच्चा जो छोटा अभी तक माता पिता के साथ रहता था, जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसको एक नया एनवायरमेंट मिलता है, नया पर्यावरण मिलता है, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके लिए स्टिमुलस का काम करती हैं और उनके प्रति वो जैसा रिएक्ट करता है, जिस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उसी के द्वारा वो बहुत सारे नए व्यवहार सीखता है और उसका विकास होता है। व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कि व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया है, यानी हम जो रिस्पॉन्स करते हैं उसी से हमारी पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो पर्सनैलिटी का जो रचना हुई है वो रिस्पॉन्सेज यानी अनुक्रिया से हुई है।
हम विभिन्न परिस्थितियों में जिस तरह के रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करते हैं उसी से हमारी पर्सनालिटी का पता लगता है। रिस्पॉन्स या अनुक्रिया एक व्यवहार है, यानी हम जो बिहेवियर करते हैं वही रिस्पॉन्स है। और हम रिस्पॉन्स या बिहेवियर किस लिए करते हैं? ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। हम अपने डिफरेंट टाइप की नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स ही हमारा बिहेवियर होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि हम खाना क्यों खाते हैं या हम भोजन क्यों करते हैं। हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है। तो भूख जो है वो आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो व्यवहार या अनुक्रिया हम करते हैं वो है भोजन करना। तो क्लियर है कि हम व्यवहार किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि हम भोजन के मामले में यानी फूड के मामले में बहुत ही चूजी होते हैं, यानी चयनात्मक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें खाना पसंद नहीं करते, खासतौर से ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा लौकी, करेला, इस तरह की सब्जियां भी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे वो उनको खाना सीख लेते हैं। ऐसा वो रीइन्फोर्समेंट के कारण करते हैं। रीइन्फोर्समेंट यानी प्रबलन। जैसे बच्चे के माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा ये सब्जियां तुम्हें खानी चाहिए, तो बच्चा अगर थोड़ा सा भी उसको टेस्ट करता है तो बच्चे के पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह, आप तो बहुत ही गुड बॉय हो या बहुत ही गुड गर्ल हो। तो बच्चा उस प्रशंसा को पाने के लिए, जो कि उसके लिए रीइन्फोर्समेंट है, उसको पाने के लिए सब्जियां खाना सीख लेता है। लेकिन बाद में बच्चा केवल सब्जी इसलिए नहीं खाता कि वो अपने माता पिता को खुश करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे सब्जियों का स्वाद अच्छा लगने लगा है। यानी जो सब्जियां पहले वो सिर्फ देखकर नहीं खाता था कि उसका कलर या उसका टेक्सचर, या ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चे देखते ही नापसंद कर देते हैं, लेकिन जब वो उसको खाते हैं तो हो सकता है उस सब्जी का स्वाद उन्हें अच्छा लगे। तो जब सब्जियों का टेस्ट उन्हें पसंद आता है तो वो टेस्ट के कारण भी उन सब्जियों को खाना शुरू कर देते हैं, या फिर धीरे धीरे बच्चा उन सब्जियों को अच्छा समझने लगता है। जैसे माता पिता जब ये बताते हैं कि इस सब्जी को खाने से तुम हेल्दी रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो बच्चे इन सब्जियों को इसलिए खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छा समझते हैं। जब हम उद्दीपक, अनुक्रिया और प्रबलन यानी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रीइन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के लर्निंग थ्योरीज यानी अधिगम सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत में इनका उपयोग किया गया है। जैसे प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पावलोव का दिया हुआ है, ये कुत्ते पर किए गए एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर के द्वारा दिया गया, जो कि चूहे के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। और प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, ये एल्बर्ट बेडूरा के द्वारा दिया गया था। और ये सिद्धांत एक छोटे बच्चे के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। अगर आप इन सिद्धांतों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इनके वीडियोस अवेलेबल हैं। ये आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो रहे होंगे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ऊपर जिन सिद्धांतों की बात की गई है, इन सिद्धांतों में अधिगम यानी लर्निंग और व्यवहार यानी बिहेवियर, इनके संपोषण यानी समर्थन का विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। यानी जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन आता है, उसके बारे में इन सिद्धांतों में विचार किया गया है। तो जो भी अधिगम सिद्धांत हैं, उनमें जो नियम बताए गए हैं, उनसे व्यक्तित्व सिद्धांतों के विकास में बहुत ही सहायता मिली है। और व्यक्तित्व सिद्धांतों को डेवलप करने में यानी जो पर्सनालिटी थ्योरीज है उनको डेवलप करने में कहीं ना कहीं लर्निंग थ्योरीज के जो नियम है उनका उपयोग किया गया है। जैसे बेंडूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में लर्निंग में थिंकिंग प्रोसेस यानी अधिगम में चिंतन प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया है, जबकि प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी में चिंतन प्रक्रियाओं यानी थिंकिंग प्रोसेस को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इसी तरह से प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत यानी बेंडूरा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में सोशल लर्निंग यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, इस पर, और आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन पर बल दिया गया है, जो कि लर्निंग की दूसरी थ्योरीज में दिखाई
नहीं देता। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक उपागम यानी कल्चरल अप्रोच की। कल्चरल अप्रोच या सांस्कृतिक उपागम हमारे व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रभाव को महत्वपूर्ण मानता है, यानी इनका मानना है कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी संस्कृति से निर्मित होती है, उस पर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सांस्कृतिक उपागम पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है, यानी जो सांस्कृतिक उपागम है वो पारिस्थितिक यानी किसी भी स्थान का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोलॉजी होती है, किसी भी स्थान की इकोलॉजी या वहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पर्सनालिटी को समझने की कोशिश की जाती है। अगर हम किसी समूह की बात करें, समूह यानी कोई समाज, उस समाज में या उस समूह में जो आर्थिक अनुरक्षण प्रणाली है, आर्थिक अनुरक्षण प्रणाली यानी जो उसकी इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है, मतलब किसी भी स्थान पर जो रोजगार होते हैं, काम धंधे होते हैं, यानी उस स्थान की जो इकोनॉमी होती है वो वहाँ के कल्चर और बिहेवियर यानी वहाँ की संस्कृति और व्यवहार को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी स्थान की जलवायु संबंधी दशाएं यानी किसी स्थान का जो क्लाइमेट है, वास स्थान के भूभाग यानी जो जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है वहां का जो जमीन है, भूभाग है, धरातल है, वो किस तरह का है और वहां पर भोजन की उपलब्धता क्या है, यानी किस तरह का भोजन प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त होता है या मुश्किल से प्राप्त होता है, या प्लांट बेस्ड है या फिर एनिमल बेस्ड है या दोनों मिलते हैं, किस तरह के भोजन की उपलब्धता है, इन सब पर डिपेंड करता है कि वहां पर आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी। इसको फिर से समझिए, ये सब आप लोगों ने क्लास 10th में सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि किसी भी जगह की जो जलवायु होती है और उस जगह की जो जमीन होती है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, किस तरह की मिट्टी है और उसमें किस तरह का फूड मिलता है, किस तरह का भोजन मिलता है, इन सब पर डिपेंड करता है कि लोग वहां पर किस तरह की आर्थिक गतिविधियां करेंगे यानी किस तरह का रोजगार करेंगे। इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ की क्लाइमेट्स और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और वनस्पति को उगाने के लिए यानी खेती वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां होंगी यानी जो रोजगार वगैरह होंगे वो सारे खेती से रिलेटेड होंगे, यानी बहुत सारे लोग खेती बाड़ी में लगे होंगे और साथ ही साथ खेती से रिलेटेड यानी जो कुछ भी प्लांट्स से आ रहा है उससे रिलेटेड दूसरे रोजगार उसमें लगे होंगे। तो जलवायु की दशाओं, भूभाग की प्रकृति और भोजन की उपलब्धता पर लोगों की आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं और लोगों की आर्थिक गतिविधियां यानी वहां की आर्थिक अनुरक्षण प्रणाली यानी इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम यानी किस तरह के रोजगार लोग वहां पर करते हैं, किस तरह की आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उस पर वहां का कल्चर डिपेंड करता है और कल्चर पर ही बेस्ड होता है लोगों का व्यवहार, लोगों का बिहेवियर, और जैसा बिहेवियर होता है वैसे ही लोगों की पर्सनालिटी होती है, यानी कि जो आर्थिक अनुरक्षण प्रणाली यानी इकोनॉमी उनकी आर्थिक गतिविधियों को तो निर्धारित करती ही करती है, साथ ही साथ उनके व्यवस्थापन के संरूपों, व्यवस्थापन के संरूप यानी आपस में किस तरह से वो तालमेल बिठाएंगे, किस तरह से सामंजस्य रखेंगे, सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं यानी जिनसे समाज की रचना हुई है, समाज की वो इकाइयां जिनसे समाज की रचना हुई है यानी जिनसे समाज बना है, समाज बनता है परिवार से, समूह से, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से और समूह के नियम कानूनों से, ये सभी सामाजिक संरचना कहलाते हैं। श्रम विभाजन यानी उस समूह में कौन क्या काम करेगा, इसके अलावा बाल पोषण की रीतियां यानी बच्चों के पालन पोषण के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, इन सब का निर्धारण कहीं ना कहीं उस समूह की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। किसी भी स्थान पर किस तरह की क्लाइमेट है, किस तरह की भूमि है और किस तरह के वहां पर भोजन प्राप्त होते हैं, इन सब पर लोगों की आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं, यानी लोग उसी तरह का रोजगार, काम धंधा वगैरह करते हैं और उन्हीं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर लोग आपस में तालमेल रखते हैं, लोगों ने मिलकर एक समाज बना लिया और समाज के अपने श्रम विभाजन हो गए, यानी कुछ लोगों ने कुछ काम करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ काम करना शुरू कर दिया, इस तरह से श्रम का विभाजन हो गया और इसी पर बेस्ड हो गया इनके बच्चों को पालन पोषण का
तरीका। और अगर हम देखें तो ये सारे तत्व जिनकी हमने बार बार बात करी है, ये सारे तत्व मिलकर बच्चे के लिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं, जिस वातावरण से बच्चा सीखता है, अधिगम करता है। और ये वातावरण उसका क्या है, ये वातावरण कल्चर है। उस कल्चर से ही बच्चा विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखता है। लोगों के कौशल यानी स्किल्स, लोगों की एबिलिटीज, व्यवहार करने के तरीके, उनके वैल्यूज और किन चीजों को वो प्राथमिकताएं देते हैं, वो लोगों के सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित होते हैं। यानी लोग किस तरह के काम करेंगे, किस तरह के स्किल्स होंगे उन लोगों में, किस तरह की योग्यताएं होंगी, लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से बिहेवियर करेंगे, या उनके वैल्यूज क्या होंगे, या किन चीजों को वो प्राथमिकता देंगे, ये सब संबंधित होता है उनकी संस्कृति से। अनुष्ठान यानी लोगों के जो रिचुअल्स हैं, यानी रीति रिवाज, त्योहार, धार्मिक क्रियाकलाप जैसे पूजा पाठ, किसी विशेष देवी देवता को मानना, विभिन्न प्रकार की कलाएं, डिफरेंट टाइप के मनोरंजन और खेलकूद, जिनके माध्यम से लोगों की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और ये सभी यानी हर कल्चर का अपना तौर तरीके, नियम कानून, त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह होते हैं। और इन सभी परंपराओं, त्योहारों, रीति रिवाजों या धर्म वगैरह में उनकी पर्सनैलिटी दिखती है। कोई समूह जिस तरह की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में रहता है और जिस तरह के कल्चर को वो फॉलो करता है, तो उस इकोलॉजी और कल्चर को अडेप्ट करने की कोशिश में उनके पर्सनैलिटी यानी उनके जो बिहेवियर के गुण हैं वो डेवलप होते हैं। यानी जब हम किसी इकोलॉजी और कल्चर को अडेप्ट करते हैं, यानी उसके अनुकूल बनने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व के गुण विकसित होते हैं। यानी हमारे अंदर उसी तरह के गुण, उसी तरह के ट्रेट्स आएंगे जैसे इकोलॉजी में हम रहते हैं और जिस तरह के कल्चर को हम फॉलो करते हैं। इस तरह से कल्चरल अप्रोच ये कहता है कि जो हमारी इकोलॉजी होती है और जो हमारा कल्चर होता है, यानी जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह होते हैं, नियम होते हैं हर समाज, हर संस्कृति के, उन नियम, उनकी मांगों के अनुसार, यानी कल्चर जो है उसके हिसाब से हमें इस तरह के त्योहार मनाने हैं, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, इस तरह के रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करना है, तो उनके अनुसार व्यक्ति अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने आप को ढाल लेता है। और जब व्यक्ति अपने कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, तो उसी से उसका पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसको एग्जांपल से समझिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग जंगलों और पहाड़ों पर रहता है। जंगलों और पहाड़ों में इनकी जीविका का साधन यानी जो इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो शिकार और संग्रहण, यानी ये जंगलों में घूमकर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियां जैसे फल वगैरह हो गए, कंदमूल, जड़ें, शहद वगैरह, इन सबको वो क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो यही इनकी जीविका का साधन है, यानी इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम इतनी देर से क्या बात कर रहे थे, कि जिस तरह के इकोलॉजी में आप रहते हैं, तो यहाँ पर इकोलॉजी क्या है, वन और पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जंगलों और पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, यानी ये वहां की इकोलॉजी है। और उस पर डिपेंड करती है हमारी आर्थिक गतिविधियां, यानी हम अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जो भी काम करते हैं वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो जो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, वो या तो शिकार करते हैं या फिर विभिन्न तरह के खाद्य सामग्रियों को जो जंगल में मिलती है उनको इकट्ठा करते हैं। अब इन्होंने बात करी है झारखंड के बिरहोर जनजाति की। ये एक जनजाति समूह है बिरहोर, जो कि झारखंड के जंगलों में पाया जाता है। ये लोग ज्यादातर खानाबदोश जीवन बिताते हैं। खानाबदोश यानी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, यहाँ से वहाँ छोटी छोटी टोलियों में एक जंगल से दूसरे जंगल में ये घूमते रहते हैं। और इस दौरान ये जंगली फल, कंदमूल, कुकुरमुत्ते यानी जो जंगली मशरूम होते हैं उनको, और शहद आदि को इकट्ठा करते हैं, और साथ ही साथ इकट्ठा करते हैं और उनका भोजन में उपयोग करते हैं। झारखंड की ये जो बिरहोर जनजाति है, जो जंगलों में खानाबदोश जीवन जीती है, यहाँ वहाँ घूमकर भोजन इकट्ठा करती है या शिकार आदि करती है, इस समाज के जो बच्चे हैं वो अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही जंगलों में घूमना, शिकार करना, जंगल में पाई जाने वाली विभिन्न तरह की खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने का कौशल यानी स्किल्स जो है वो सीख लेते हैं, क्योंकि इसे सीखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता
मिलती है, उन्हें आजादी मिलती है उसको सीखने की। यानी यहाँ पर बाल पोषण की जो रीतियां हैं, यानी बच्चों के पालन पोषण की जो रीतियां हैं, उनमें बच्चों को डिफरेंट टाइप का स्किल जो कि उन्हें जीवन जीने के लिए, जीविका कमाने के लिए काम आएगा, उस तरह का स्किल सीखने के लिए पूरी आजादी दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों के पालन पोषण के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें बच्चों को आजादी देना, यानी वो बिना बड़ों की मदद के अपने कामों को कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्वायत्तता यानी अपने डिसीजन खुद लेना, अपने निर्णय खुद लेना, और उपलब्धि उन्मुख यानी अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर उनको सिखाया जाता है। यानी चुनौतियों को स्वीकार करना, शिकार करना, जंगलों में घूमना, ये इस तरह के जोखिम वाले काम हैं। उस तरह के जोखिम वाले काम जहाँ पर चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करना ये लोग जीवन के शुरुआती सालों में ही शुरू कर देते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि किसी जगह की क्लाइमेट्स, जलवायु, क्या इकोसिस्टम है वहाँ का, उस इकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ, उन आर्थिक गतिविधियों पर ही निर्भर करता है वहाँ का सामाजिक ढांचा यानी रीति रिवाज, परंपराएं, कार्य विभाजन, ये सारी चीजें, और बाल पोषण की रीतियाँ यानी बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा, और बच्चे की पर्सनालिटी में वो चीजें शुरुआत से ही दिखने लगती हैं। तो इस तरह से कल्चर पर बेस्ड होता है हमारा पर्सनालिटी। जैसे अभी आपने झारखंड के बिरहोर जनजाति को समझा, इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र है यानी वो एरियाज जो समुद्र के किनारे हैं, तो समुद्र के किनारे जो लोग होते हैं वहां की इकोलॉजी के हिसाब से लोग वहां पर मुख्य रूप से सी फूड पर डिपेंड करते हैं। यानी उनका आर्थिक कार्य जो होता है, आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से समुद्र से जो भोजन प्राप्त होता है, मछलियां वगैरह, उन पर डिपेंड करता है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही समुद्र में किस तरह से मछलियां पकड़ी जाती हैं, किस तरह से नाव लेके जाया जाता है, वो सारी चीजें बचपन से देखते आते हैं और उनकी पर्सनालिटी में वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। यानी किस तरह से नेचर को समझा जा सकता है, विशेष रूप से समुद्र को, वो बच्चे भी जोखिम उठाना, अपने निर्णय खुद लेना आदि चीजें शुरुआत से ही सीख लेते हैं। जंगल में रहने वाले खानाबदोशों की तुलना में अगर हम किसान समाज के बच्चों को देखें, तो किसान समाज के बच्चों का जो सोशलाइजेशन या समाजीकरण होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है, क्योंकि जो खानाबदोश होते हैं वो जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। वहीं किसान समाज के जो बच्चे होते हैं वो एक स्थान पर स्थायी जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें खेती करनी होती है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं किसान समाज के, उनमें आज्ञा पालन, छोटों के प्रति पोषण भाव यानी छोटे बच्चों की देखभाल करना, जो आपसे छोटे हैं उनकी देखभाल करना, और साथ ही साथ कर्तव्य पालन करना, इस तरह के गुण विकसित होते हैं। इस तरह के गुण किसान समाज के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं और ये गुण उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी की और कल्चर की, तो इकोनॉमी और कल्चर के डिफरेंस के कारण ही शिकार और संग्रह करने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में किसान समाज के बच्चे कुछ अलग तरह का पर्सनैलिटी पैटर्न दिखाते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मुझे इंतजार रहता है आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।